हेलो फ्रेंड्स, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स, हमारे चाहक, हमारे प्रशंसक हमसे कुछ नया चाहते हैं, समथिंग न्यू, एंड दे नो दैट ट्रिपल आईएम कुछ नया लेके आता है। आज हम एक नया चैप्टर, नया हैशटैग लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और वो है टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, हैशटैग टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स। So this is a new chapter, and in this today we will see where are these districts. Ye districts kahan pe hain? So first, in the introduction, I would like to say the top exporting states of India, aur uske baad hum jayenge district pe. So the top exporting states of India are number one Gujarat, number two महाराष्ट्र, नंबर थ्री कर्नाटका, नंबर फोर तमिलनाडु, नंबर फाइव आंध्र प्रदेश। ये स्टेट्स जो है हमारे, ये 70-75% ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट से इंडिया को जो मुनाफा मिलता है, रेवेन्यू आता है, उसमें से कंट्रीब्यूशन इन पांच स्टेटों के प्रोडक्ट से होती है। सो आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश अर्न द मैक्सिमम। ये पांच राज्य हैं जो भारत के लिए 70-75% एक्सपोर्ट रेवेन्यू लेके आते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट से जितना भारत अर्न करता है, वो अर्निंग, वो रेवेन्यू का 75% ये पांच राज्य लाते हैं अपने एक्सपोर्ट से। सो इट इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप सभी को ये पता चले। आप यदि इन राज्यों में हो तो आपके लिए बहुत सारी तके हैं एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए। ये जो राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ज्यादातर ये राज्य कोस्टल राज्य हैं। कोस्टल राज्य होने के लिए इनको सुविधाएं समंदर से एक्सपोर्ट करने की थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। और इससे पीछे है, इसके बाद आता है राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। तो ये बहुत सारे राज्य हैं हमारे यहाँ, जो हमें 28 राज्यों में से, ये पांच राज्यों के बारे में तो हमने बात कर ली, और ये राज्य जो रैंकिंग इंडिया की है, इंडिया ने रैंकिंग दी है इनको 1-100 for everything, that is connectivity of roads, infrastructure, ports, production, वहाँ पे क्या क्या export के लायक हैं, कितना export करते हैं वगैरह parameters पे नीति आयोग, government की एक body है, नीति आयोग ने इनको ranking दी गई है। ये ranking 78.6% सिर्फ गुजरात को जाती है, यानी कि 100 में से 78.6% गुजरात के लिए है, और ऑलमोस्ट नियर अबाउट 77.39% महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र गुजरात ऊपर नीचे रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम टाइम्स एंड सम काइंड ऑफ सीजनल बताएं तो, कोई समय के अनुसार महाराष्ट्र और गुजरात ऊपर नीचे रहते हैं। पहला नंबर कभी महाराष्ट्र होता है, कभी गुजरात होता है, पर बाकी के स्टेट्स जो हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वो साउथ के स्टेट्स हैं और वो 3-5 नंबर पर रहते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्टेट्स। हम हर एक स्टेट के बारे में, उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे, और हम आगे दूसरे, मतलब नाउ पार्ट टू, नंबर टू वीडियो आपको देखना होगा हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में।
तो उनकी प्रोडक्ट्स भी हम बताएंगे, तो आपके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा यदि आप इन राज्यों में से हैं या इन तालुका में से हैं, तो आपके लिए वो आसान रह जाएगा। और अभी आप ये सीरीज जरूर देखना ताकि हम हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। आई होप यू लाइक दिस आइडिया, आई होप यू सिलेक्ट योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। चाहे आप कश्मीर में बैठे हो, आपको कर्नाटका का प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप वहां से भी सोर्स कर सकते हो और वहीं से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो जरूरी नहीं है कि हम अपनी जगह के आसपास से ही कुछ सोर्सिंग करें और एक्सपोर्ट करें। सो दिस टॉपिक ऑफ आर वीडियोज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सिलेक्टिंग योर प्रोडक्ट। मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के बारे में आगे जानने के लिए राज्यों और उनके तालुका के हिसाब से। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, बेल आइकन को भी दबा देना। एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए मेरी गुजारिश है आप लोगों को, हमारी ट्रिपल आई एन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर करें। इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू बिकम एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स। थैंक यू सो मच।